बात करें कौरवों और पांडवों की, इन दोनों में ही जो गाइड करने वाला मेंटोर है, जो इनके पीछे जो इनका एडवाइजर है, वो बहुत बड़ा है। डिपेंड करता है कि आपका एडवाइजर कैसा है। और जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं जीवन में, वो वक्त गुजर गया जब लड़ाइयां हाथों से लड़ी जाती थी, आपका बाहुबल देखा जाता था। आज के सभी तरह के युद्ध जो लड़े जाते हैं वो दिमाग से लड़े जाते हैं। जहां पर जितनी बड़ी जितनी अच्छी एडवाइजरी होगी, जितना दिमाग से उस युद्ध को लड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि महाभारत का पूरा युद्ध भी सिर्फ दिमाग से लड़ा गया, इसीलिए जीत हुई पांडवों की और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी कई सारी बातें आज मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में कि दिमाग से लड़ी गई लड़ाई से आप आसानी से जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने ऐसी विकट समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जब हमें सोचना पड़ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरी आप सभी को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जीवन में कोई भी किसी भी तरह का संघर्ष हो, कोई भी लड़ाई हो, जीवन में कुछ भी करना हो, अपने दिमाग के सभी दरवाजे पूर्ण रूप से खोल कर रखें। दोस्तों, महाभारत हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, बहुत बड़ा सेना का एक डिफरेंस था जिसकी वजह से भी माना जाता था कि कौरव उस लड़ाई को जीत जाएंगे। और ये सिर्फ तब तक ही माना गया जब तक कि ये डिसाइड नहीं हो गया कि कृष्ण किसकी तरफ होंगे। दोस्तों, आप हमेशा से एक बात जान लीजिए कि कितनी बड़ी सेना है। मानता हूं कि ये चीज भी कहीं ना कहीं मायने रखती है, बट ये चीज ज्यादा मायने रखती है कहां पर पूर्ण तरह से कुशल नेतृत्व है, मतलब कि कहां से कितनी अच्छी एडवाइजरी मिल पा रही है। दोस्तों, कहते हैं कि जब महाभारत काल का जब युद्ध हुआ तो उतना विनाशकारी और इतना बड़ा युद्ध आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। कहते हैं कि पांडवों की तरफ से सिर्फ 7 अक्षुणी सेना थी और जो कौरव थे उनकी तरफ से 11 अक्षुणी सेना थी। 4 का अंतर है इसके अंदर। अब आप बोलेंगे इससे ज्यादा फर्क क्या पड़ता है। दोस्तों, फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक अक्षुणी सेना में अगर आप देखोगे 218,700 सैनिक होते हैं एक अक्षुणी सेना में। 4 का अंतर है लगभग 10,00,000 लोग और एक्स्ट्रा थे कौरवों के पास। उसके बावजूद वो युद्ध हारे। युद्ध क्यों हारे? क्योंकि उनके पीछे का जो नेतृत्व था, खुद भगवान कर रहे थे पांडवों का साथ, खुद भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। दोस्तों, ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिस धर्म के अंदर ये बोला गया हो कि मैं भगवान हूं, या कोई भी ऐसा किसी ने जन्म लिया हो। हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं। दिमागी खेल, दिमागी लड़ाई दोस्तों बहुत बड़ी होती है। अगर आप दिमागी लड़ाई से लड़ेंगे जीवन में, कभी भी आप हारेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग ही आपको सही रास्ता दिखाता है। दिमाग ही बताता है क्या सही और क्या गलत, किससे जीतेंगे और किससे आप हारेंगे। ये सब तय करता है आपका दिमाग। आपकी कुशल रणनीति आपके जीवन के संघर्ष को आसान कर सकती है, वरना आपके जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे। या तो प्यार से उन संघर्षों को काट लो। अगर आपको कटवाया गया, मतलब कि आपके साथ उन संघर्षों ने आपका पीछा अगर पकड़ लिया, तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। बेहतर है जीवन को कठिनाइयों से जियो। जितना ज्यादा कठिन अपनी जिंदगी बनाओगे, मतलब आप उतनी ज्यादा सक्सेस की ओर जा रहे हो। सक्सेस कभी भी घर बैठे नहीं मिलती है। दिमाग को चलाइए, जितना हो सके दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और दिमाग इस्तेमाल लोमड़ी वाला नहीं करना है, और ना ही तो ताकत सिर्फ और चाहिए गेंडे वाली। आपको कुशल नेतृत्व, मतलब जैसे शेयर करता है ना, उसके अंदर दिमाग भी है, पावर भी है, फुर्ती भी है, और हर तरह से सोच समझ भी सकता है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। आपको जंगल का राजा बनना है, या जंगल का सिर्फ एक नामी भारी भरकम हाथी बनकर जीवन में रहना है, या लोमड़ी बनना है, वो आप पर है। आपको अपने आप को लड़ाका बनाना होगा, और साथ में ही अपना शक्ति प्रदर्शन वक्त वक्त पे दिखाना भी होगा। और दिमाग से लड़ी हुई लड़ाई कभी भी इंसान हारता नहीं है, बस आप इस बात को जरूर याद रखना। दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा बड़ी आसानी से कमाया जा सकता है। धन शक्ति के अधीन है, और शक्ति आपकी बुद्धिमानी के अधीन है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही है, जब तक बेवकूफों के पास, जब तक बेअकलों के पास पैसा है, जब तक बुद्धिमानों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धिमान के पास ही घूम फिर के वो पैसा आएगा, बुद्धिमान के पास ही घूम फिर के वो सब शक्तियां आएंगी। बस आपको इंतजार करना होगा और सही तरीके से प्लानिंग्स करनी होगी, प्लानिंग्स करके आगे बढ़ना होगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज हमारे इस वीडियो से कुछ आपने मोटिवेशन लिया होगा और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। इस तरह की वीडियोस, नई नई वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।